जय हिंद दोस्तों, जवान जय किसान। चर्चा लगातार चालू रहेगी। थोड़ा भैया से गलती से वो क्लिक हो गया था। फसल होती है सामने से लगभग भैया, तैयारी अच्छी होती है जी। तो अप्रैल से लेकर के और जून तक की फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है जी। तो फ्लावरिंग के समय अक्सर हम लोगों को जानकारी पहले से ये थी कि जब फ्लावरिंग के समय नीचे से जो पुतिया हम लोगों के यहाँ बोलते हैं जी जी जी, जो बच्चा निकलता है वो जी, तो उसको लोग कहते हैं कि इसको काट दो वरना ये जो है धार की विकास पर जो है प्रभाव डालेगा। तो हम लोग उसकी कटिंग कर देते हैं। लेकिन अगर वहीं से उसको छोड़ दिया जाए और क्योंकि दवा पानी खाद वगैरह जो भी है, जो भी हम घर के अच्छी वजन के लिए या केले के विकास के लिए करते हैं, तो क्या उस पौधे की वजह से उस घर पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? अभी यही समझाया मैंने आपको, तो बस मैं यही पूछने वाला। कम साइकिल का पौधा चाहिए। अगर कम साइकिल का पौधा नहीं है तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। अभी तो समझाया, आपकी दुकान है, बेटे की फीस जमा करनी है, दुकान में से दोगे तो दुकान चलेगी क्या? नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट टाइम खेती शुरू की जी, और फर्स्ट टाइम हमारे जून में पौधा में जो है फल आ गया, और फल के समय नीचे से जो पौधा निकल रहा है, तो उस समय पेड़ के लिए उसको छोड़े या ना छोड़े? अब इसकी गारंटी तो हमें नहीं है कि वो 4 साइकिल का पौधा है या 6 साइकिल का है ही नहीं, हमारे अलावा को दे ही नहीं रहे, हमें गारंटी का पता है। अभी उसमें क्या करना है आपको? तो वही हम कह रहे हैं कि साधारण किसान के लिए जिसको आपको किसान पाठशाला की गाइडलाइन फॉलो करनी है, फिर हम आपको इतना स्टोरेज दिलवाएंगे, उधार दिलवा देंगे पैसा, समझ रहे ना? आपने दुकान में से नहीं दिया लेकिन चचा से उधार लेके दे दिया, नहीं समझे? आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपने दुकान में से खर्च नहीं किया, इनके पास से लेकर के दे दिया। तो आपकी गाइडलाइन जो हम लोग चलाएंगे वो उस तरीके से चलाएंगे कि ये पौधा भी आपका रिकवर करेगा। इसका सबसे बड़ा सूत्र तो यही है प्रभु कि पौधा ही सही लगा लो, नस्ल ही खराब तो फिर कुछ भी करते रहो। अब लगा लिया तो क्या करें? तो किसान पाठशाला के साथ आ जाओ। अच्छा, आप लोग क्या लोगे? हम लोग आपको साल भर बढ़िया केला कटवाना, आपको व्यापारी दिलवाना, वहाँ तक जाने का भैया आपका क्या लालच है? आप क्या लोगे? हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, 0 चार्ज है हमारा। अब ये आप क्यों कर रहे हैं? मज़ा आ रहा है अंदर छाती में, अंदर से फीलिंग आती है, रात को नींद बहुत जोर की आती है, बस इसीलिए कर रहे हैं। और इसीलिए वो फ्लोरिडा की जो आज डॉक्टरी को उपाधि देने वाली अमेरिका तक रिसर्च कर रही है हमारे ऊपर, तो और जोश बढ़ गया था आज। आज आवाज़ में खनक है थोड़ी सी, सुबह ही बलराम भाई का फ़ोन आया था। ऐसे में खुशी होती ना कि हम जो कर रहे हैं निस्वार्थ, इस दुनिया में सब स्वार्थ में लुटे हुए हैं, कोई तो निस्वार्थ चाहिए, कोई तो किसानों के साथ खड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये हमारी बड़ी उपलब्धि है कि हम बिजनौर के रहने वाले हैं और बहराइच के महसी में लोग हमें जानते हैं, तो यही हमारा मेडल है। पैसा तो बहुत कमा लिया, भगवान ने बहुत दे दिया, सेना ने काफ़ी दे दिया, ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा की। 70 रुपये का खर्चा एक दिन का है, शाम को खाना बहुत कम खाते हैं, और दिन में मिल गया तो ठीक, नहीं तो जैसे राम तो 4 गिलास पानी पियो, इतना ही आदमी के लिए काफ़ी है। वो गांधी जी कहते थे कम खाओ सुखी रहो। तो आपको क्या करना है? गाइडलाइन फॉलो करनी है मेरी, फिर मैं परिस्थिति के अनुसार हर 10 दिन पे क्यों आपसे वीडियो मांगता हूँ? हर 10 दिन में पौधा अपनी परिस्थिति चेंज करता है, जैसे हर ऋतु पे हम हमारी बॉडी और हमारा शरीर अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। हर बार एक सा जुकाम नहीं होता, तो डॉक्टर के टच में रहना आवश्यक है। तो वैसे अगर आप हर 10 दिन में हमें एक वीडियो भेजते हो तो हम उसको एक बार ऑब्जर्व करते हैं। और ये लोग कर ही रहे हैं, दिवाकर तुम लोग भेजते हो वीडियो? अभी भेजते हैं। भेजने के बाद क्या रिस्पांस आता है? 24 घंटे के अंदर आ जाता है। 24 घंटे के अंदर आपको जवाब आ जाएगा हमारा कि भैया ये कीजिए, आप इसमें पूरा चार्ट गाइडलाइन ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको पता है प्लॉट पर एक विजिट करने के 5,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का लेते हैं लोग, हमारे लेवल का आदमी, और आने जाने का 14 रुपये का किराया पर किलोमीटर का। अगर 10 किसानों ने बुलाना है तो वहाँ से जहाँ से आप उसको बुला रहे हो वहाँ से यहाँ तक 14 रुपये पर किलोमीटर का किराया देना पड़ेगा, खाना खाएगा वो आपका, उसके बाद 2,500 से 5,000 रुपये पर प्लॉट की विजिट के लेगा, आधा घंटा प्लॉट पर लगाएगा। इतनी लुटाई चल रही भारत में, उसी बीच में हम भी निकले हैं। क्या लोगे? कुछ नहीं। क्या दोगे? कुछ नहीं, फ्री सेवा, सीखना और सिखाना। किसान पाठशाला आपके पास जो अच्छा है, हम कभी ये नहीं बोलते कि हम ही सही हैं ना, आपके पास अगर कुछ है तो हमें सिखाओ, मेरी कुछ अंदर गलतियां हैं तो मुझे सिखाओ, ताकि मैं वो चीज़ें बाकी लोगों को बताऊं। ये चीज़ें बताना है हम लोगों ने, किसान पाठशाला का मतलब ही यही है, फार्मर्स को किसानों को पढ़ाना, एजुकेट करना। अभी तक सेना की अकेडमी है, पुलिस की अकेडमी है, इंजीनियरों की अकेडमी है, DM साहब की भी पढ़ाई होती है, SDM साहब की पढ़ाई होती है, पटवारी की वो होती है, सब की होती है, किसान की बेचारे की कोई पढ़ाई करता नहीं। खेती पकड़ा दी हाथ में, कर लो। तुम्हारा डॉक्टर साहब कौन है? दुकान वाला।
अब दुकान वाले के पास जाओगे, भैया पत्ते पे दाग आ रहे हैं, तो उस बेचारे को क्या पता, वो तो बीएससी की उसने पढ़ाई की किताबों की, और करने के बाद जो उसने पढ़ा वो बैठ गया, उसने देख लिया अच्छा ये है, तो उसने आपको एक एंटीबायोटिक दे दी, एक फंगिसाइड दे दिया, ज़बरदस्ती एक कीटनाशक लगवा दिया और एक नीचे से टॉनिक दे दिया। ज़रूरत इनमें से किसी चीज़ की नहीं है, शीशी दे दी चार, रुपए बने 2700। अब आप खुशी खुशी 2700 रुपए दे करके अपनी जेब में दवाई डाल के घर आ गए। आप स्प्रे मार रहे हो दबा धप धना धन, उसके बाद भी पौधा लटका का लटका है। फिर गए वापस, भैया पत्ता यार और पीले हो गए, ओहो तुम्हारे खेत में ज़्यादा ही गड़बड़ है, सुनो इधर आओ ये नया आया देखो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको लेके जाओ, ये डॉक्टर साहब से बात कराएगा वो तुम्हारी उस समय पे फ़ोन लाउड स्पीकर ऑन करके, वो डॉक्टर साहब भी उधर एक बार में फ़ोन नहीं उठाएगा, उसको पता वैल्यू कम हो जाएगी, चाहे वो ठाली बैठा हो उधर कोई काम नहीं है उसको, वो डॉक्टर है भी कि नहीं है वो पता नहीं, वो ऐसा ही है हम जैसा ही झोला छाप, वो बैठा है उधर खाली, उसको आपने फ़ोन किया वो दो बार में फ़ोन उठाएगा, हाँ जल्दी बताओ, अरे डॉक्टर साहब एक बहुत खास आदमी आए हैं ज़रा बात करो, भैया हमारे खेत अच्छा ये डालो ठीक है, वो 15% डॉक्टर साहब को भी पहुँच गया। अब आप फिर खुश हो गए, फिर बोतल लेके आए तो थोड़ा आपको फर्क पड़ा, आपको लगा बहुत बढ़िया है भैया यार 5000 रुपये एकड़ में हमारी ज़मीन बच गई, खेत बच गया, ओहो हो इसमें खर्चा 5 रुपये का भी नहीं है, यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हम बोल रहे थे आपके दिमाग के जो जंग लगे ना, जंग मिट्टी का तेल डाल के पूरे नट बोल्ट खोल के जाएंगे। की लागत एक बीघे में 25,000 से 30,000 लोग लगा रहे हैं। अरे भैया तुम लागत 1,00,000 रुपये लगाओ, पैसे वाले लोग हम थोड़ी रोक सकते हैं, तो पैसा बहुत है तुम पे, क्यों हम थोड़ी मना कर सकते हैं, हम जो सिखाने आए हैं वो सीख लो, उसके बाद लागत हो जाएगी तुम्हारी बिल्कुल ख़त्म ना के बराबर। तो खेत की तैयारी सबसे मुख्य है किसी भी फसल में, खेत की तैयारी में 5 ट्रॉली गोबर की खाद, ये सब आएगा इस वीडियो में, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, 5 ट्राली गोबर की खाद, 2 ट्राली सुगर मिल का प्रसमेड मैली, इसको बैटरी कंपोजर बना करके उसको छिड़क करके ठंडा कर लो, एक डेढ़ महीने में हो जाता है। उसके साथ में 10 क्विंटल जिप्सम, ये 1 एकड़ का है, अब कितने बीघा होते हैं आप लोग देख लो अपने बहराइच में कितना बीघा होता है। उसके साथ में आपने 30 किलो गेरू, लाल चूना गेरू वाला, और अगर जिप्सम ना मिले पहली बात तो जिप्सम ही लेना है, हाँ ठीक है वो ले लिया आपने, और 30 किलो चूना बिना बुझा बारीक करके डलवा दो। इसके साथ में 25 किलो समुद्री नमक मोटा वाला ढेले वाला, और 4 किलो सेंधा नमक व्रत वाला, ये सब चीज़ों को मिलाओ खेत में फेंक दो। उसके बाद जुताई करो 6 इंच वाली, फिर इसका पानी दे दो, पानी देने के बाद फिर इसकी जुताई करो एक हल्की, और उस समय में आपने क्या बोना है, नवरत्न बोने हैं, 9 फसलें, 3 दलहन 3 तिलहन और 3 अन्न वाली जिसमें गेहूं नहीं होना चाहिए, इनमें तिल को ये टोटल मिला करके 9 फसलें 15 किलो होनी चाहिए, जिनमें 5 किलो तो सिर्फ तिल होना चाहिए, तिल से ज़्यादा कार्बन ज़मीन में कोई क्रिएट नहीं करता है, तिल ऐसी फसल है। तो आप जब ये 35 दिन का हो जाए फिर आप इसकी जुताई कर दो 35 से 45 दिन में, ताऊ जी अब यकीन मानो आपको, मैं सच बोल रहा हूँ करके देख लो, आपको यूरिया DAP पोटास की ज़रूरत नहीं है, 1 एकड़ में इससे 5 बोरी आपको यूरिया मिलेगा और 3 बोरी 2.5 से 3 बोरी आपको DAP मिलेगा, जो भी मिले काला सफ़ेद जो भी हमें जुताई करना है, और आपको इससे 6 बोरी पोटास मिलेगी 1 एकड़ में, 1 साल में 8 बोरी पोटास की जरूरत होती है अच्छे केले के लिए, 6 तो मिल गई 2 बची, अब वो 2 फ्री में कैसे मिलेगी वो भी बताऊंगा आपको, दुकान पे जाने नहीं दूंगा, इसलिए मेरे से दुकान वाले चिढ़ते हैं, बोलते साला आराम करिए हमारी धंधा खराब करके घूम रहा है, वो गाली भी देते हैं, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो अच्छी चीज़ें आपको बता के जानी है, भैया तुम अपनी दुकान भी चलाओ हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें तो उधर से वापस आना पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल ज़मीनें ख़राब हो गई, रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। तो ये हो गई खेत की तैयारी, अब आपने जो केले का पौधा लगाना है तो वो केले का पौधा बाउंड्री पे 3-3 फीट पे लगाना है, 2.5 फीट या 3 फीट जो बाउंड्री बनेगी खेत की, ये वाली बाउंड्री इस पे 2.5-3-3 फीट पे पौधा लगाना है। अब अंदर जो पौधा लगेगा, अगर आपको 4 साल के लिए केला लगाना है तो आप 5x7 पे लगाइए, लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 7 फीट, लेकिन ये आमने सामने नहीं आएगा,
जिग जैग में आएगा। जहाँ पहला पौधा लगाया फिर दूसरा पौधा लगाया, तीसरा पौधा यहाँ लगाओ और यहाँ से फिर टप 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 अपने आप ऑटोमेटिक बन जाता है। हमने बताया है कई वीडियो में जिग जैग में पौधा लगाना है। जिग जैग में इसलिए लगाना कि पत्ता ओवरलैप नहीं करेगा और पौधा गिरेगा नहीं और सीधा चलेगा। और आपको जो रस्सी बांधते हैं वो तकरीबन 60% रस्सी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बांधने की जिग जैग में। ये हो गया आपका। चारों तरफ से गन्ना घास लगाना है सुपर नेपियर 13 से 14 फीट हो जाती है। वो क्यों, जितने भी वायरस और बैक्टीरिया हैं वो 1.5 फीट से लेके 5 साढ़े 5 फीट तक ही जाते हैं। और गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं लू जो चलती है वो नीचे से 1.5 फीट से लेके 5 फीट तक ही उसका ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए कभी देखा होगा लू, सुना होगा टांग पे लू नहीं लगी, माथे पे मुँह नहीं, यहाँ क्यों लगती है लू? ये हाइट है लू की चलने की 1.5 फीट से लेकर के और 5 फीट तक, ये लू का असर होता है यहाँ पे। इसलिए छाती में बहुत जल्दी पेट में लग जाती है, लू घुस जाती है पेट में बोलते हैं। यहीं तक आपके कीड़े इंसेक्टिसाइड वायरस जितने आते हैं वो सब हवा में इतनी दूरी पे ही चलते हैं मोस्टली फसलों पे। तो जब आप दूसरा वाला हर्बिसाइड का स्प्रे करेगा तो आपके खेत में वो भी नहीं आएगा हवा के थ्रू। इधर से हमने फंगस का स्प्रे किया तो फंगस हवा के साथ दूसरे खेत में जाएगी, लेकिन हमारे खेत में अगर बाउंड्री है 14-15 फीट की, बाजरा लगा हुआ है लंबा, तो वो अंदर जाएगी नहीं। और दूसरा अगर गई भी तो डबल जो पौधा हमने लगाया है, डबल पौधे का ऐसा झुरमुट बन जाएगा बाहर कि वो अंदर ना ठंडी हवा जाएगी ना गर्म। तो क्लाइमेट कंट्रोल होता है, केले को जो वातावरण चाहिए अंदर खेत के वो क्रिएट होगा। जो भी ठंड होती है, अभी हम लोग बैठे हैं हमें ठंडी महसूस हो रही है, अगर अभी यहाँ से हवा बंद कर दें तो गर्मी लगने लगेगी। तो खेत में बाहरी हवा जाने से रोकना है, उसके लिए प्राकृतिक साधन होने चाहिए। कहाँ तक पैसा फूकोगे? गन्ना घास या सबसे अच्छा तरीका है 2-2, 3-3 फीट पे एक एक पौधा लगा दो, आपके पौधे भी बढ़ जाएंगे। तो किसान के मन में ये भी नहीं रहेगा मेरे पौधे कम हो गए। 1 एकड़ में आपका 5x7 पे अगर आप जाएंगे इस तरीके से तो 1250 प्लस 150-200 1450 पौधे हो गए। अब आप अगर आपको 5 साल से प्लस जाना है 6-7 साल के लिए, मेरी तरफ से वहीं जाना है, पौधे कम लगाओ, कंपनियों को मालदार मत करो। 5x8 लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 8 फीट, इसमें आपने पौधे आएंगे आपके 1100 और बाउंड्री पे 200-1300 पौधे, और ये चलेगा आपका 5 साल। इसमें आप बच्चा छोड़ सकते हो 1 महीना पहले आराम के साथ फ्लावरिंग आने से, 5x7 में फ्लावरिंग आते ही। अब एक और ग्राफ है 5x9 लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9 फीट। 6x6 नहीं, ग्राफ गड़बड़ है। अब देखो वो क्या कर रहे हैं, वो अच्छी बात है वो लगा रहे हैं, तो हमें जो परिणाम जिसमें प्राप्त हुए हम उनकी बात, हमारी कोई लड़ाई थोड़ी 6x6 से। लेकिन आप 1 6x6 लगा के देखो, 1 5x7 लगा के देखो, आपको अंतर पता चल जाएगा। अगले साल क्वालिटी पौधे की, गिरना पड़ना बीमारी सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। बराबर ही है, पौधे उतने ही आएंगे आपके, ठीक है पौधे उतने ही आएंगे, लेकिन आनंद ज़्यादा आएगा और टेके का खर्चा बच जाएगा। हमारा मकसद है खर्च को कम करना। अब आपने ये लगा लिया 5x9 पे, आपके पौधे आएंगे मात्र 980। इसमें आप हर 6 महीने पे एक बच्चा छोड़ सकते हैं अगर आपका कम साइकिल का पौधा है तो। जहाँ 20 इंच का पौधा आपका हुआ आपने दूसरा पौधा छोड़ देना है, तो कटिंग भी आपकी हर 6 महीने पे आएगी, साइकिल बन जाएगा इसका। एक पहली साल पौधा लगाया जून में, वो पौधा आपका कटा अगले साल जून में, 12 महीने में कट जाता है। आपका 20 इंच का पौधा कब हुआ? फरवरी मार्च में, आपने पहला जो है फरवरी मार्च में छोड़ दिया। अब ये फरवरी में ये वाला कटा आपका जून जुलाई में, अगली कटिंग आ जाएगी अक्टूबर नवंबर में, तीसरी कटिंग आ जाएगी फिर, मतलब ये हर 6 महीने पे आपको 6 से 7 महीने पे कटिंग आ जाएगी। ये तर्ज पे आना है। दूसरा, 5 साल क्यों लगाना है? 1 साल हमने खर्च किया लगभग 70 से 100 रुपया खर्च किसान का हो जाता है केले में। अब हर साल इतना रुपया खर्च करेंगे तो कमाएंगे क्या? अगले साल पेड़ी अगर हमने रखा और पेड़ी का मैनेजमेंट अगर आपने किसान पाठशाला के अनुसार किया तो 20 रुपये का आपको खर्चा प्रति पौधा आएगा। 20 रुपये का मतलब है कि 1 रुपया किलो। अब हमने अगर 25 किलो का सरका तैयार किया और 1 ही रुपया मान लो आप, हालांकि 50 पैसे से 75 पैसे खर्च आता है लेकिन आप 1 ही रुपया मान लो, तो हमारा अगर 20 किलो का सरका गया और हमारा 8 रुपये का रेट आया तो 160 रुपये हमने, ये कम से कम न्यूनतम है, मरे से मरे की बात कर रहा हूँ, वरना हमारा जो पौधा है वो 38 प्लस 32 प्लस 30 प्लस ही जाता है,
लेकिन मैं बिल्कुल न्यूनतम की बात करता हूँ, ताकि आप महसी से फ़ोन करके गाली ना दो कि तुम 38 बोल के गए थे, हमारा 22 आया। हम बात करते हैं 18 किलो की, कि ये तो ख़त्म है, जो बर्बाद केला हो जाएगा वो 18 किलो आएगा। क्यों? यदि 18 किलो भी आया और ये अगर 8 रुपए किलो भी बिका, 10 रुपए किलो या 8 रुपए किलो, तो ये 160 रुपए का एक पौधा गया। 90 रुपए हमने, चलो लागत हमने 38 किलो वाली लगाई, लेकिन हमारा पौधा जो है वो भैया बिल्कुल हम फेल हो गए केले में। तो 90 रुपए हमें एक पौधे से प्राप्त हुए, 1450 पौधे हमारे खेत में हैं, 150 पौधे भी हमारे रिश्तेदार आए, फूफा आए, नाना आए, मामा आए, उनके चले गए, 1300 पौधे, 13 × 108 100,000 शुद्ध बचत आपके घर में बर्बाद केले से आती है। अब 1,00,000 रुपए की शुद्ध बचत अगर गन्ने में लेके आओ तो नीचे से ऊपर तक खून निकल जाता है, आती नहीं है शुद्ध बचत, बहुत मेहनत लगती है उसमें, या और किसी फसल से आ नहीं सकती। ये केले की जीत है। अब अगर ये केला आपका 25 से 30 किलो गया और आपने क्वालिटी मेंटेन की और ये 12 रुपए से अगर 15 रुपए के बीच में बिका, तो ताऊ जी स्कॉर्पियो एन यहाँ खड़ी होगी जैसे ये एक्सयूवी खड़ी है, बड़ी बात नहीं है, लोग कर रहे हैं काम। वो कैसे होगा? हम लोगों को फ्रूट केयर नहीं आता है। आप लोग जब खाद देते हैं तो खाद कैसे देते हैं, पहले मैं आपको खाद समझा देता हूँ, पहले पानी समझाता हूँ। अब केला आपको लगाना है 4 से 6 इंच के बेड पे, ये टेबल के बराबर चौड़ा बेड, 4 से 6 इंच ऊंचा, उसके ऊपर कीचड़ बना के बस दवाई डालनी है, पानी के साथ कीचड़ बनाना है, कीचड़ हटाया, पौधा छोड़ा, बस इतना ही करना है। इसके ऊपर मल्चिंग कर देनी है, घास फूस पुराल की कुदरती मल्चिंग, तो पौधा शानदार होकर चलेगा, माइक्रो न्यूट्रेंट की जरूरत इसको ज़्यादा पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब पौधा बड़ा हुआ, खाद की ज़रूरत पड़ी, तो खाद को जो भी आप रासायनिक खाद दे रहे हो उसको गोबर की 3 गुना सड़ी हुई खाद में मिला करके 8 दिन तक पलंदी से ढक के पॉलोथीन से, बट्टी जैसी लग जाएगी इसकी, 8 दिन ऐसा रखने के बाद दें। ऐसा क्यों? ऐसा करने से इसकी बॉन्डिंग टूट जाएगी, जो रसायन के साथ इसको बॉन्ड करके आपको दिया जाता है, यानी कि जैसे आप घर में उड़द लेके आए तो उड़द को पहले कुकर में डाल के क्या करते हो, उसकी बॉन्डिंग टूटती है इसी, तो बोलते बना दिया। तो ये खाद पौधे के खाने योग्य हो जाएगी। इसके फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं कि ये जो गोबर मिलाया था आपने 3 गुना और ये 25 किलो DAP थी, तो ये अब 1 क्विंटल DAP बन गई, और अगर आप इसको डायरेक्ट देंगे तो ये 20 दिन के बाद लगेगा, 10 में से 8 हिस्से ज़मीन में पड़े रहेंगे, कभी पौधे को मिलेंगे नहीं जीवन में। ऐसा करने से 100 के 100 यानी कि 10 के 10 हिस्से पौधे को मिलेंगे, और 20 दिन नहीं, आज दोगे आज ही 6 घंटे के बाद पौधा उठाना शुरू कर देगा। आज ये वाला खाद दिया, कल रिजल्ट, कल सुबह खेत में जाओगे तो पता चलेगा पत्ता निकल के आया, कोई भी फसल हो, गेहूँ, धान, गन्ना, चना, मटर, केला। ऐसा करने से आपकी ज़मीन का कार्बन ऊपर आएगा, आपकी ज़मीन स्वस्थ होती जाएगी, और धीरे धीरे आप रसायन की मात्रा को कम करते चले जाएंगे, और 2 साल के बाद आप ऑर्गेनिक किसान कब बन गए आपको पता भी नहीं चलेगा। यूरिया, DAP, पोटास, गोबर की 3 गुना खाद में मिला के हल्का नमी दे के यूरिया को अलग से करना है, क्योंकि वो पानी बन जाता है। उसके अलावा जितनी खादें मिलाओ, 8 दिन तक रखो पॉलोथीन से ढक के, नमी दे करके 8 दिन के बाद खेत में फेंक दो। ये 1.5 महीने तक बनाने के बाद ख़राब नहीं होती। इस खाद को देने में किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारा 1 क्विंटल DAP लग रहा है तो 20 किलो डालना, रिजल्ट नहीं आया तो जूता निकाल के मारना अगली मीटिंग में मुझे यहीं पर। तुम जैसे 16 लाख लोगों को करवा रहे हैं हम लोग ये काम, हम आए आपको जगाने ताऊ जी, क्योंकि आप लोग मरणासन स्थिति में हैं, आपको मार दिया लोगों ने। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ जी, मान लीजिए कि 3 दिन रखने की बजाय 8 दिन रखने की जी, मिक्स करके 8 दिन तक रखते हैं उसको, बॉन्ड 8 ही दिन में टूटेगा जी। और जो लोग तुरंत मिक्स खेत में डाल देते हैं, गड़बड़ है, बॉन्डिंग तो टूटी नहीं भाई साहब, आपने कुकर में उड़द डाले और डाल के निकाल दिए तो बन गए क्या? पकाना चाहिए ना, तो बॉन्डिंग तोड़नी है हमने, केमिकल की बॉन्डिंग तोड़नी है। वो खाद मिक्स करके 8 दिन के लिए रख दें जी, और 8 दिन के बाद जो बोल रहे हैं उसकी तरफ देखो, कोई नहीं चलने, दोनों को आपस में मिक्स करके 8 दिन के लिए रख दें जी, और 8 दिन के बाद पौधे के चारों तरफ घेर दें जी। ये यहाँ तक हो गया खाद प्रबंधन, अब समझ में आ गया कैसे देना है, ये हम आप लोगों को बताते हैं, पूरा चार्ट मिलता है और साथ में आप लोगों के साथ टच में रहते हैं 12 महीने। साथ में जब माल बिकेगा वो भी अभी आपके परते खोलूंगा हम, कि 1,00,000 से 1 एकड़ कैसे कमाएं। अब आपका जो फर्टिलाइजर यूज हो रहा है पर पौधा, अगर 60 रुपये 50 रुपये हो रहा है तो ऐसा करने से 25 होगा कि नहीं होगा? यहीं पे आपका खाद आधा करा दिया हमने, तो यहाँ से 25 से 30 हज़ार का फायदा तो आपको ये हो गया।
अब दोबारा शुरू करना है, बंद कर देना है।